गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑलरेडी दिस इज वैभव मुंजाल फ्रॉम चलचित्र टॉक्स. ही इज वन ऑफ द को फाउंडर्स एंड ही ऑफ कोर्स यू आई एम श्योर यू कंटिन्यूअसली सी हिम डूइंग स्ट्रीम्स ओवर देयर रिकमेंडिंग फिल्म्स. ही इज अ बिग सिनेफाइल एज वेल. सो दिस इज वैभव. एंड वैभव और कुछ आप बोलना चाहते हो अपने बारे में जो मैंने मिस कर दिया? नहीं सही यार, बहुत इंट्रो था ना, यही काफी है, बढ़िया इंट्रो था इतना ही ना मच. हाँ, इतना भाई, ही कम मचाया थोड़ी है है. हाँ मतलब इतना कुछ. हाँ और या एंड दिस इज गाइस शिखा जैन हु इज द फाउंडर एंड क्यूरेटर ऑफ द रेड स्पैरो विच इज अनदर फिल्म मीडिया कंपनी. एंड या लाइक दे डू अमेजिंग रिव्यूज एंड प्लीज गो चेक देम आउट एज वेल. एंड या शिखा अगेन लाइक डू यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट योरसेल्फ? नो, आई एम गुड. थैंक यू हर्षित, थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो शिखा वैभव थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. दिस इज लाइक अनदर एपिसोड ऑफ प्लीज डिस्कस फिल्म्स विद मी वेर आई प्लीड माई फ्रेंड्स एंड लाइक अदर पीपल टू डिस्कस फिल्म्स विद मी. ये नौबत आ गई है अब तो. टुडे वैभव एंड शिखा आई एम प्लीडिंग यू टू डिस्कस रंग दे बसंती विद मी. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. तो मतलब क्यों, मतलब लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि व्हाई डिड आउट ऑफ ऑल द फिल्म्स व्हाई डिड वी चूज रंग दे बसंती एज द फिल्म? यार मेरे को तो उसके ओपनिंग क्रेडिट्स बहुत पसंद है, मैंने तो इसलिए चूज की थी. लाइक इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स कुछ मूवीज अच्छी होती हैं और रीवॉचेबल नहीं होती, कुछ अच्छी होती हैं और रीवॉचेबल भी होती है. सो रंग दे बसंती इज अ गुड फिल्म विच इज हाईली रीवॉचेबल, स्पेशली लाइक सम सीन्स ऑफ इट, लाइक एटलीस्ट 80% सीन्स ऑफ इट. सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई इट्स ऐसे जहन में बहुत ईजी है सबके वो मतलब डिस्कस करना ना. और उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसके जो गाने हैं, लाइक एवरीथिंग अबाउट इट इज वेरी वेरी मच लाइक मतलब वो कन्वर्सेशन अपने आप निकल के आ जाती है उससे. और शिखा तुम्हारे लिए? मुझे लगता है कि सम फिल्म्स आर ना वेरी टाइमलेस, मतलब कभी पुरानी नहीं हो सकती. जो जब भी देखो ना, यू विल स्टिल फील लाइक सम और मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ इट आर स्टिल रिलेटेबल. एंड यू कैन स्टिल मतलब तुम 10 साल बाद भी प्रॉबली ये मूवी देखोगे ना, प्रॉबली फिर भी रिलेटेबली रहेगी. वो इतना टाइमलेस होती हैं जो मूवीज. रंग दे बसंती इज वन ऑफ देम. एंड लाइक वैभव सेड, उसकी रीवॉचेबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब कितनी भी बार देखो, यू स्टिल फील द गूज बम्स एंड यू विल स्टिल फील दैट पेन एंड एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू फील वाइल वॉचिंग द मूवी. तो इसीलिए चूज की. या आई मीन रंग दे बसंती का रीवॉचेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है और लाइक अ लॉट ऑफ द थिंग्स दे आर ऑफ कोर्स स्टिल सो रेलेवेंट इवन टुडे. मतलब या इवन फॉर मी यू नो लाइक नॉट जस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल लाइक ऑन अ लार्जर लेवल. मतलब जब हम लोग छोटे थे तब तक तो हमको कुछ उसकी पॉलिटिक्स ऐसे समझ नहीं आ रही थी हम लोगों को, लेकिन एक वो वाली चीज होती थी ना कि मतलब उसमें ऐसे हैवी हैंडेड डायलॉग्स थे कि अगर अब भी तुम्हारा खून ना खोला तो खून नहीं वो पानी है. तो मतलब वो सब सुन के बचपन में तो ऐसा लगता था कि समझ रहे हो कि भाई मतलब जोश आ गया. और मतलब स्कूल में होता है ना थोड़ा बहुत शौक, स्पेशली मतलब आई एम श्योर लाइक मोस्ट ऑफ अस आई थिंक कम फ्रॉम एटलीस्ट लाइक वेरी रिलीजियसली फिल्म लविंग बैकग्राउंड्स. बट एट द सेम टाइम लाइक आई यूज टू डू थिएटर इन स्कूल और मतलब थिएटर क्या मतलब मैं प्लेज वगैरह करता था. तो उसमें भी फिर हम लोगों को एक बहुत ज्यादा वो था मतलब रंग दे बसंती का इतना ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट था कि भाई यू नो मतलब दिस इज अ फिल्म विच इज काइंड ऑफ लाइक यूजिंग दीज डायलॉग्स, उसमें एक्टिंग है सब कुछ है और सब सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी एंटरटेनिंग है. तो मतलब लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो फिल्म कितनी रेलेवेंट है मतलब हमारी कंट्री की आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से. पर आई थिंक लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट, लाइक स्पेशली द पीपल हु सपोर्ट लेट्स से द एस्टैब्लिशमेंट, दे डोंट रियलाइज एंड दे स्टिल लव रंग दे बसंती. दे डोंट रियलाइज द फैक्ट दैट दे आर नॉट बीइंग ट्रू टू देयर लव फॉर द फिल्म. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? ये आई बहुत अच्छा फील, था या हाँ, आई फील क्या होता है ना, जब तुम इस बारे में बात कर रहे थे, इट इज वेरी सिमिलर टू हाउ दीज गाइज रिएक्ट टू द फिल्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब तुम छोटे होते हो, तुम्हें पॉलिटिक्स ज्यादा कुछ समझ नहीं आती, बट स्टिल यू आर रियली इंजॉइंग द फिल्म, इवन दो यू डो डो नॉट गेट दी एंटायर पॉलिटिक्स की हम किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट? बट यू आर स्टिल लविंग फिल्म फॉर द फिल्म दैट इट इज. ऑल्सो द बैलेंस बिटवीन जो उन्होंने हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी, हिस्ट्री और प्रेजेंट के बीच में जो बैलेंस है, इवन दो यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पॉलिटिक्स ऑफ इट, ऑल ऑफ अस नो द हिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, राइट? सो यू कैन स्टिल रिलेट एंड यू कैन स्टिल वॉच इट फ्रॉम दैट क्रांति परस्पेक्टिव, कि हमने ब्रिटिश को भगाया था, एंड फ्रॉम दैट लेंस ऑल्सो यू कैन स्टिल वॉच एंड एंजॉय इट.
या जो आज के लोगों की बात कर रही हूँ, जो एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये वो ही छोटे बच्चे हैं जो बचपन में देखते थे, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली देख क्या रहे हैं, बट मजा तो आ रही है बिकॉज हम ब्रिटिश के बारे में बात कर रहे हैं, हम फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, उनको तो ये लगे बेसिकली वो सेम सेम लेंस उनकी से पॉलिटिक्स इवॉल्व नहीं हुई बेसिकली बिल्कुल भी। पॉलिटिक्स इवॉल्व नहीं, उनको प्रॉब्ली समझ ही नहीं आ रही है कि पिक्चर की पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या. इट इज वेरी वेरी इट इज एज कॉम्प्लेक्स एज नो एज सिंपल इट इज. लाइक इट्स इन योर फेस वो क्या बोल रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट, बट इट इज स्टिल एज कॉम्प्लेक्स फॉर द वे इट इज मेड. दे आर नॉट, दे आर टॉकिंग इन इट इन अ वेरी डिफरेंट वे बाय प्लेसिंग इट विथ द ब्रिटिश का फाइट. सो यू नो अंडरस्टैंडिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव आई फील, एंड या विच मतलब इज दैट वैसे वैसे लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, इट शुड बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट आई मीन क्लियरली इट्स नॉट एज सिंपल एज वी वुड इमेजिन। हाँ, जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल शायद है नहीं. मतलब हमें सिंपल लगते हैं क्योंकि हमें समझ आ गए हैं, बट जिन लोगों को समझ नहीं आ रही है उनको प्रॉब्ली शायद सिंपल लग नहीं रहा. मतलब किस बारे में वैसे पर्टिकुलरली आप ऐसा कह रहे हो, लाइक यही कि कौन मतलब सी आप चीज़? आपका फिल्म की पॉलिटिक्स के बारे में क्या वो है और उसकी रेलेवेंस के बारे में इन टुडेज टाइम। People who are हाँ supporting the establishment today still love Rang De Basanti and they are not understanding where they're going wrong. नहीं, वो तो बहुत एक्यूरेट है। मैंने एक बार याद है आज की डेट में तो पहली बार बन नहीं सकती ऐसी मूवी। तो मेरे को याद है कि रॉनी स्क्रूवाला का एक इंटरव्यू है आई थिंक टीवीएफ के ऊपर, लाइक पे है, लाइक वे ही टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि जब मूवी आ रही थी तो उससे पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि हमें दिखाओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया था उन्हें, प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने बुलाया, सब ने देखी और ये लोग डरे हुए हैं क्या होगा, डरे हुए हैं प्रणब मुखर्जी क्या बोलेंगे, क्योंकि बहुत एंटी गवर्नमेंट वगैरह मूवी है ना। एंड जैसी मूवी खत्म हुई प्रणब मुखर्जी खड़े हुए एंड ही इज लाइक पीछे देखिए बोले व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई वाज आई शोन दिस, इट्स अ गुड मूवी, व्हाट डू आई डू। कि एंड ऐसा कुछ था कि यार मतलब अच्छी तो मूवी है, मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस। एंड वो कह रहे थे मैं कितना, मतलब वो काफी इम्प्रेस हो गए थे तब कि कितनी कूल चीज थी। आज की डेट में तो बन नहीं सकती। तो पॉलिटिक्स तो बहुत सिंपल है उस मूवी की, पर उसकी जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है। मतलब बाइंग चीप पार्ट्स ऑफ थिंग्स, चर्नोबिल का पूरा शॉट शो का इवेंचुअली यही पता चलता है कि चर्नोबिल एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि दे वर बाइंग चीप पार्ट्स जो एक्चुअली एक्सपेंसिव होने चाहिए थे। रंग दे बसंती में भी यही था, या थोड़ी चिंदगिरी ज्यादा कर दी लोगों ने, बट लाइक उसके पीछे का जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा मतलब पैरालाइज था और गंदा था, वो बहुत अच्छे से इसमें दिखाया है। तो इसकी पॉलिटिक्स तो मेरे को बहुत पसंद आई थी, पर वही है रोमांटिसाइज करने के हिसाब से अच्छी है। इसमें एक्शनेबल चीजें कितनी हैं वो थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, ये काफी मतलब सही बात है भाई, ये काफी सही बात है. आई वुडेंट रिकमेंड कि कोई ऐसे किसी ऐसे रेडियो मिर्ची के ऑफिस में जाके कभी ऐसे 5 दोस्त ये सब करने लग जाए, बट एक्शनेबल चीजें वही है कि आई डोंट नो, मतलब अगर थोड़ा डीप जाओगे तो वही ना कि कॉलेज के दोस्त वो जो थे वो वेल्ले भी तो थे इन द सेंस। अगर इसको थोड़ा ऐसे क्रिटिक पर्सपेक्टिव से देखना है, जैसे आमिर खान का वो सीन मेरे को बहुत पसंद है जब वो स्टू को, सू होता है नाम है, स्टू होता सू है, सू 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 को बोलते हैं कि मेरे को कॉलेज से पास आउट हुआ है तो बहुत टाइम हो गया, बट लाइक आई जस्ट लाइक बीइंग हियर। वो ढिमलक कलक कलक कर रहा था और वो बताता है कि लोगों को छोड़ा नहीं जाता। विल यू एडवाइस समवन टू डू दैट? नो। समटाइम्स यही होता है कि कभी कभी जो क्रांति वाली फील आती है वो इसलिए भी आती है बिकॉज वी हैव टू मच टाइम इन आवर हैंड्स, मेरे को ऐसा भी लगता है। और जो इसमें पिविटल पॉइंट तो वही था ना जब लाइक माधवन का वो एक्सीडेंट होता है, बट लाइक अगर तुम उसको पैरेलली इस पॉइंट के साथ देखो कि आमिर खान के पास काम करने के लिए कुछ था नहीं, लाइक जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ दिस न्यू थ्रेड नो जिसने नो नो देखा दैट्स था। दैट्स कम्प्लीटली वैलिड, बट माय हाँ पॉइंट इज दैट ऑफ कोर्स यू वोंट रेकमेंड टू एनीवन कि भाई तुम कॉलेज खत्म होने के बाद भी वहीं पढ़े रहो, लेकिन एट द सेम टाइम द ट्रूथ इज कि आई डोंट नो कि मतलब द कॉलेजेस दैट यू गाइस वेंट टू वहां पे था कि नहीं ऐसा, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिल्म सेट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. हमारे कॉलेज में एक ऐसा बंदा था ब्रो, मतलब
कॉलेज खत्म हो गया था बट ही स्टिल यूज टू बी देयर एवरी डे. उस तो ना ऐसे लोगों का नाम भी, मतलब एक नाम पड़ जाता है उन लोगों का. ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे होते डीजे की तरह, बट देर आर सम पीपल जो कि बार बार बीए करते रहते हैं. नहीं नहीं एक खत्म हुई नई बीए शुरू कर देते हैं तो उनका नाम बाबा पड़ जाता है बिकॉज दे आर लाइक डूइंग मल्टीपल बीए. वेरी हाँ, सो और दैट्स मतलब अ वेरी इसमें रियल वो थिंग. या इसमें मतलब वो है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वगैरह, वी कुड अफोर्ड टू बी नॉट लाइक थॉटफुल अबाउट पॉलिटिक्स. हम लोग था कि क्या है, बट जब आप दिल्ली में रहते हो, द सेंटर ऑफ थिंग्स, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन अबाउट थिंग्स. ये अपने आप एक दिल्ली के साथ ही ये चीज़ मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री आती है. एवरी एक्शंस आर सो क्लोज टू योर कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज में या भी एंड देयर ये आर सो मेनी सिचुएशन. यूनिवर्सिटीज ना, मतलब जेएनयू इज हाँ देयर, ऑफ कोर्स डीयू इज देयर, बट आल्सो जेएनयू एक्सट्रीमली पॉलिटिकल, एंड जामिया इज, तो, सो देयर सो मेनी यूनिवर्सिटीज आल्सो. हाँ तो उस हिसाब से मैं मतलब मैं इतना बड़ा फैन हूँ रंग दे बसंती का, एक तो स्पेशली उसके डायरेक्शन का. ओपनिंग क्रेडिट्स तो चलो एक चीज है, एवरी थिंग इज परफेक्ट. वो आमिर खान वाली बात मैंने इसलिए बोली कि यार ऐसा, क्योंकि आपने पूछा कि मतलब थोड़ा खतरनाक तो है ही ना जो उन नहीं लोगों ने नहीं नहीं किया. मैं लेकिन बस एक चीज बोलूंगा कि मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट लाइक द फैक्ट, द पर्टिकुलर पॉइंट दैट यू रेज्ड अबाउट हिम नॉट वर्किंग एंड हिम बीइंग फ्री, मतलब आई डोंट थिंक दैट इज रेलेवेंट इन 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 एनी वे. क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स लाइक यू नो दैट जस्ट हाउ ही इज चूजिंग टू लिव हिज लाइफ एटसेट्रा, मतलब दैट वो वाली चीज नहीं इफेक्ट करती किसी भी इवेंट को इन द फिल्म. इन टर्म्स ऑफ इवन इफ आमिर खान वाजंट देयर, यू नो If Madhavan had died, and it's still possible that the rest of them who were नहीं still बट students would have still हर्षित, died. एक बार इसको इस थ्रेड के तरीके से सोचो कि लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, बस मैं एक चीज बोलूंगा कि जो वो वाली बात आपने रेस किया ना अबाउट वॉट दे डू इन ऑर्डर टू लाइक काइंड ऑफ स्टार्ट अ रेवोल्यूशन विच इज किल समबडी, यू नो असैसिनेशन, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट शुड बी प्रमोटेड और ग्लोरिफाइड इन एनी वे. आई थिंक वो दैट वॉज क्वाइट हाँ इरिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ, इररिस्पॉन्सिबल. no, in terms of irresponsible only in terms of if we go ahead and glorify it. क्योंकि समझ रहे हो कि मतलब eventually what we are doing is, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई activism में इन सब चीजों में violence is okay, like we are justifying violence, you know. I think वो एक फिल्म के perspective से और एक एक उस narrative के perspective से बढ़िया था बहुत, और वो मतलब बहुत अच्छा लगता है, पर I think it should be taken as a metaphorical काइंड ऑफ थिंग इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टेकिंग इट लिटरली. मतलब वो जो शूट किया था वो एक मेटाफॉर होना चाहिए बस ज्यादा से ज्यादा उस चीज का, अबाउट लाइक स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट. पर सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक पैरेलल तो ये है कि उसी साल लगे रहो मुन्ना भाई आई थी, तो एक गांधीगिरी के ऊपर है और एक भगत सिंह वाले लेयर के ऊपर है कि लाइक ये विच बहुत रोड सही. वुड यू चूज, क्योंकि वो बैक टू बैक आई थी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब फिल्म फेयर आए थे, बेस्ट फिल्म शायद लगे रहो को मिला था, बेस्ट डायरेक्टर इसको मिला था, रंग दे बसंती को मिला था. और मेरे को तब भी समझ नहीं आता था कि मैं कौन सी चूज करता हूँ, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छी लगती थी. बट आई स्टिल बिलीव रंग दे बसंती इज अ बेटर डायरेक्टेड फिल्म देन लगे रहो मन्ना भाई. तो हाँ यार, वो भगत सिंह वाला एंगल है इसलिए उन्होंने वायलेंस दिखाया, उसको थोड़ा दिखा दिया कि हो सकता है. लाइक शिखा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ एकदम लिटरल तो नहीं है ना. ऑल्सो दे आर ड्रॉइंग पैरेलल्स फॉर वेयर दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम. मतलब पैरेलली तुम्हें वो बता रहे हैं कि कौन थे वो पांच लोग इन द पास जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली है. यही अगर लग रहा होता और गांधी जी होते तो दे वुड हैव नॉट गॉन एंड असैसिनेटेड हिम. सो इट्स लाइक दे इट्स नॉट लाइक दे आर ग्लोरिफाइंग. कि मुझे नहीं लगता कि इट्स लाइक दे आर ग्लोरिफाइंग दे आर अपने इन पास, ग्लोरिफाइंग. आई एम टॉकिंग अबाउट अस एज एन ऑडियंस. जस्टिफाइंग. आई एम हमें लग टॉकिंग जाएगा यार, अबाउट हमें अस एज एन तो ऑडियंस. जैसे यार मेरे को ये जोकर देख के लगा था वॉकिन फिनिक्स की, कि मेरे को वो भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल फिल्म लगी थी, क्योंकि वो आई थिंक किड्स के लिए भी थी. उसका जो था मतलब आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगा था कि सब आके नहीं एंड देखेंगे आई और एग्री विद यू, आई एग्री विद यू अबाउट जोकर ब्रो. मतलब जोकर स्पेशली, एंड इट ऑल्सो रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द सेम थिंग बिकॉज इट डज, हाँ मतलब ऑफ कोर्स. सो नाउ रंग दे बसंती एंड जोकर इज अ गुड पैरेलल बिकॉज रंग दे बसंती, आई डोंट थिंक रंग दे बसंती द फिल्म इटसेल्फ जस्टिफाइज और ग्लोरिफाइज वायलेंस इन एनी वे, स्पेशली विद द वे दैट थिंग्स एंड यू नो वो लोग मतलब अपोलोजाइज करते हैं अपनी मिस्टेक के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दैट इज द डायरेक्शन वेयर द फिल्म गोज.
बट एट द सेम टाइम एंड एंड दे से कि मतलब ये वाली चीज गलत थी, समझ रहे हो, वो उस चीज को एक्सेप्ट दे आर नॉट इवन रिडीमिंग द फाइव पीपल ना, दे आर मेकिंग देम डाई. इट्स नॉट लाइक उनको जेल हो गई और फिर वो आ गए बाहर एंड ऑल, दे आर मेकिंग देम डाई. सो दे आर नहीं, बट मेकिंग देम डाई एंड शहीद होने में व्हाट डिफरेंस होता है? जो लोग शहीद होते हैं और जिनको लगता है कि हम शहीद हो रहे हैं, लेट्स अ सुसाइड बॉम्बर एनालॉजी जो होता है, तो उनके लिए इट्स समथिंग वेरी ग्रेट नहीं, जब वो वो ठीक है, चीज वो करते शहीद हैं. शहीद वो थे, वो ठीक है. लेकिन हाँ बस लेकिन बस मैं ये बोल रहा हूँ, शहीद वो थे, वो तो बात बिल्कुल ट्रू है, पर एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि उनकी शहादत को बिल्कुल ऐसे दिखाया है कि मतलब एकदम वो सरकार को गिरा के मर गए. एक कर मतलब गए. ये हाँ दिखाया है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है, उन्होंने बोला हम गलत हैं, हम सरेंडर करते हैं, अरेस्ट अस, समझ रहे हो, कि मतलब वो वाला एंगल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. कॉन्सिक्वेंसेस ना, दे डिड नॉट मेक देम लाइक गो अवे कि इन लोगों ने असैसिनेट किया और इन लोगों को कुछ नहीं हुआ या हैप्पी एंडिंग हो गया या वट एवर. दे शोड अस द कॉन्सिक्वेंसेस दैट इफ यू चूज या समथिंग लाइक असैसिनेशन, दीज आर द हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू वुड फेस. सो इट गेट्स लास्ट में यही होता है ना कि वो तो सरेंडर करना चाहते होते हैं, बट दे स्टिल किल बट या एवरीवन, दे स्टिल किल देम, लाइक द गवर्नमेंट या स्टिल किल्स द देम. गवर्नमेंट के उस टाइम. हाँ, तो वही है कि दैट्स व्हेन उसमें लाइक मतलब मॉरली क्वेश्चनेबल चीजें कौन सी? एक तो जो अपने बाप को मारता है, सिद्धार्थ क्या नाम होता है, अनुपम खेर को जो सिद्धार्थ. वो मारता है, हाँ दैट इज वन. उस दैट्स द ओनली मर्डर दे डू ना, मतलब ऐसे प्रॉपर मर्डर मर्डर. मतलब द बिसाइड्स द मॉडल होम तो मिनिस्टर, दोनों दैट करते हैं ना, वो इज अ डिफेंस बिसाइड्स मिनिस्टर, मिनिस्टर मिनिस्टर आल्सो मिनिस्टर आल्सो. एंड एंड अनुपम अनुपम खेर. खेर. मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कितना मतलब इनमें और पता है वो अभी वाली हम जैसे अभी चीज. बात कर रहे थे ना कि फिल्म की पॉलिटिक्स सिंपल है, मतलब कि बट इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द फिल्म, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पार्ट्स थिंग कि मतलब वो पार्ट्स खराब थे, वो तो चलो एक जो भी सिंबल था करप्शन का और गवर्नमेंट हाँ. की इनकॉम्पिटेंसी का एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देयर लाइक जस्ट देयर ओवरऑल केयरलेसनेस टुवर्ड्स द सिटीजन्स. बट एट द सेम टाइम इफ यू ऑल्सो लुक एट द कैरेक्टर ऑफ अतुल कुलकर्णी, जो उनका पूरा कैरेक्टर है, अबाउट कि मतलब उन लोगों ने पूरी वो नेशनलिज्म वाली चीज भी उसमें टच अपॉन करी है यार. बहुत और ज्यादा बैक अच्छे से दिखाई है देन वो और अच्छे से कि पूरी तो डेप्थ बहुत ही ज्यादा में अच्छे से आई दिखाई फील है. इट. इनफैक्ट जब मैं सोच भी रही थी ना हमारे डिस्कशन के बारे में, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट दैट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स थ्रू द मूवी, बिकॉज बाकी सब कैरेक्टर्स ना काफी ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब उनको पता है वो किस चीज के लिए सब स्टैंड करते हैं वगैरह, स्टार्टिंग से सब कुछ है. ही इज द ओनली पर्सन हु इज इन दैट इन बिटवीन ग्रे स्पेस कि उसको उस ही इज दैट ट्रू नेशनलिस्ट बट ही इज स्टक बिकॉज ही इज ब्लाइंडेड बाई हु इज गाइडिंग हिम, दैट पॉलिटिशियन हु वॉज और टेलिंग हिम, एंड या ही कांट सी वॉट्स राइट वॉट्स रॉन्ग एंड ही थिंक्स दीज पीपल आर रॉन्ग, बट इट्स जस्ट सो वेल डन. उसकी उसकी ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट. एंड एंडिंग भी जो आई थिंक कुणाल कपूर और वो शायद ऑलमोस्ट हाथ पकड़े हुए होते हैं, या डूड वो बहुत फकिंग खतरनाक अमेजिंग. है, बहुत बहुत ज्यादा. सही एंडिंग. हाँ, उसका पहला सीन होगा हमेशा आता था. एक्चुअली अभी लाइक ध्रुव हैड कम टू जयपुर, तो हम लोग नाहरगढ़ गए थे, तो लाइक हम अभी लाइक लेजिट 1 महीने पहले जहाँ पे पूरी शूटिंग हुई है मस्ती की पाठशाला वगैरह, हम वहाँ जाके आए थे. एंड नाहरगढ़ फोर्ट है वो. हाँ, नाहरगढ़ फोर्ट, एंड वी वर जस्ट अमेज्ड. हम रात को गए थे कि कितना ज्यादा दिमाग लगा के शूट किया, बिकॉज वेन यू गो एट द लोकेशन एंड द वे दे मेक इट मेड इट लुक, दे मेक इट लुक सो ग्रैंड. इट इज ग्रैंड बट इट्स स्टिल गुड फिल्म मेकिंग. वी वर सो इम्प्रेस कि यार इसकी तो मेकिंग देखनी है, इसकी तो मेकिंग देखनी है. और क्योंकि हमेशा सबसे पहले मेरे दिमाग में था, ए बंद करो ये ढिक चिक क्या ऐसे, उसके बाद कुछ बोलता है ना वो. बंद करो ये डिचिक डिचिक, क्या बोलते हैं, हाँ उसका क्या होता है, इसकी संस्कृति भ्रष्ट करती हाँ है. देश की संस्कृति भ्रष्ट कर रहे हैं. बहुत सही है यार. पता नहीं. और यार वही कि वन पर्सन आई हैव गॉटन बोर्ड ऑफ सीइंग अ लॉट इज शर्मन जोशी. इसो सेम इन एवरी व्हाट मूवी. व्हाट व्हाट, इन शर्मन जोशी मेरे को थोड़ा सेम सा लगता है सारी पिक्चरों में. नॉट व्हेन दैट फिल्म केम, जब वो फिल्म हाँ वो आई ठीक थी तब है. तक, हाँ नहीं, तब तक वैसा नहीं था. सो आई दैट्स स्टिल वेरी लाइक वॉचिंग सरप्राइजिंग यार. इन आई दैट. थिंक शर्मन जोशी इज अ प्रीटी गुड एक्टर एंड उसका कैरेक्टर नहीं, इन, एक्टर तो बहुत अच्छा है, बट लाइक ही गेट्स द सेम रोल्स. नो यार, इन थ्री थ्री इडियट्स एंड इन दिस फिल्म इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. आई थिंक थ्री इडियट्स एंड गोलमाल इट वाज वेरी सेम, थ्री इडियट्स एंड गोलमाल, बट आई थिंक थ्री इडियट्स एंड रंग दे बसंती इज वेरी डिफरेंट.
टिपिकल नेविल लॉन्गबॉटम कि मतलब इसी के साथ होता है, वही खिड़की से कूदेगा, इसी के साथ होगा कि मैं नहीं मर्डर करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं चीटिंग करूंगा, सब कुछ इसी के साथ होता है. बट या मतलब अगर बैठेंगे तो बहुत पैरेलल्स निकल जाएंगे. बट नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम ऐसे सीन वाइज भी जाए, स्पेशली वन सीन आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर इज जब वो नारगढ़ फोर्ट से ढाबे जा रहे होते हैं और जो लाइट्स का जो उन्होंने या पूरा मैन शटर स्पीड के साथ खेल के किया है, अरे बाप रे, वो मैं एक्चुअली मेरे अभी कैमो में भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसकी ट्रिक सीख ली है. लाइक अभी इसमें इस वाले कैमरे में हाँ हाँ करना मैं ना, तुम्हें करके दिखाता हूँ, रुको रुको अभी होगा. नाइस। इसका इंस्टाग्राम पे भी फिल्टर आ गया अभी रिसेंटली, एक है नाइस. इंस्टाग्राम पे भी फिल्टर, वो सब कुछ उन लोगों ने इजी कर दिया। वो कह रहे हैं कि कोई फिल्म मेकिंग ट्रिक नहीं चलेगी, हम लोग फिल्टर दे रहे हैं हाँ तुम्हें। सारी रील्स अब लेकिन फ्री हाँ होती यार, है फिल्म मेकिंग. मतलब इस फिल्म में मतलब इतनी सारी इन्वेंटिव फिल्म मेकिंग टेक्निक्स थी, मतलब जस्ट द वे दे हैव एब्सोल्युटली प्लेड विद द कैमरा, एब्सोल्युटली दैट पर्टिकुलर सीन वेयर आई थिंक दिस हैपेंस अ बंच ऑफ टाइम्स इन द फिल्म, बट व्हेनेवर दे आर हैविंग लाइक ऑल ऑफ देम आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जिसमें द डायलॉग, मतलब डायलॉग उसका टू एंड फ्रो हो रहा है, एक बंदे ने डायलॉग मारा, उसके बाद एक दूसरा बंदा दूसरी साइड बैठा है उस पर पैन करना है, तो फिर कैमरा एकदम से पैन होता है उसकी तरफ इंस्टेड ऑफ लाइक कटिंग टू हिम, यू नो मतलब। एंड इट इट काइंड ऑफ क्रिएट्स दिस टेंशन इन द व्यूअर एज वेल, दैट यू कैन फील द काइंड ऑफ टेंस एनवायरमेंट दैट्स देयर बिटवीन द फ्रेंड्स, जो कि एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, समझ रहे हो मतलब वो। एंड दिस इज दैट सीन दिस इज वेयर इन द जब रेस्टोरेंट, वो पी रहे हो, हाँ जब वो पी रहे होते हैं एंड ही इज सपोज्ड टू गो द नेक्स्ट डे जस्ट बिफोर ही डाइज, या एंड एवरीवन इज वेरी टेंस बिकॉज़ दे हैव शॉट दैट इंटेंस व्हाटएवर एंड सीन, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ देश की हालत तो खराब है, एंड यार ही सेज कि हाँ तो बहुत ही टेंस माहौल है, एंड दैट्स व्हेन दिस वही ना. पैन इट हैपन्ड एट वन अनदर पॉइंट आल्सो वेयर दे आर लाइक वेरी क्विकली ट्रांजिशनिंग, एक्चुअली ट्रांजिशन नहीं हो रहा, वो एक तरीके से एकदम इंटर ट्रांजिशनल टाइप का सीन चल रहा है जिसमें एकदम से पैन हो रहा है टू लाइक द फ्रीडम फाइटर वाला एरा, और एकदम से पैन हो रहा है टू द करंट एरा, फ्रीडम फाइटर करंट करंट, और वो भी इतना ब्यूटीफुली आता है। और मतलब वही है यार, मतलब इस सेम फिल्म को विद द सेम स्क्रिप्ट सेम एवरीथिंग लाइक इट कुड हैव बीन मेड इन सच अ सिंपल वे, बट जस्ट लाइक इवन द ट्रांजिशन बिटवीन द ओल्डर एरा एंड द करंट एरा हैपन जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड सो परफेक्ट दैट यू कांट हेल्प बट मार्वल एट, यू नो या जस्ट हाउ ब्यूटिफुल द फिल्म जैसे एडिटिंग। जैसे सू पहली बार जब आमिर को देखती है बाइक पे और उसको वो फिर म्यूजिक थोड़ा सा ना ऐसे लो पास फिल्टर के साथ आ जाता है और उसको दिखाई देता है कि यहाँ पे वो बाइक पे, और फिर वो सेम बाइक ऐसे वो अपना सीपीए फिल्टर के साथ लाइक ऐसे खेत में चल रही है, एंड देन कट टू वापस आप वो ढाबे वाले उस पे आ गए. बहुत सारी चीजें थी यार ऐसी जो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा हिट की थी. मस्ती का पाठशाला और उसकी जो फिल्म मेकिंग है वो जो इंडिया गेट के सामने जाके जो पूरा करते हैं, तो मस्ती का पाठशाला का जो रीमिक्स है उसके जो लिरिक्स है वो भी ड्यूरेबल बहुत वाला, ज्यादा अच्छा है. हाँ बी अ रेबल वाला. मस्ती का पाठशाला की रिमिक्स, देर आर टू वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग, वन इज मस्ती की पाठशाला एंड वन इज कॉल्ड बी अ रेबल, बट इट ऑल्सो हैज हाँ मस्ती बी अ रेबल, अरे बट अच्छा हाँ, लेकिन फिल्म में तो वो उस दोनों वही है, चलते हैं, दोनों है, दोनों आते हैं जब दोनों आते हैं. वो सू के साथ बी अ डांस रेबल जब करता है हाँ तब ओरिजिनल वाला चलता है, नॉर्मल वाला, बी अ रेबल एंड हाँ इंडिया गेट के सामने चलता है। इंडिया गेट के सामने आता है और हर एक स्टेट का या कुछ ना होता, से बॉय ओ बॉय से ओ, है ना, वो तब मच. वो ही इट्स लाइक वेरी वेरी क्लियर इन माय. मैं इसलिए तो कह रहा था कि भाई पहले ये डिस्कस कर लो क्योंकि रंग दे बसंती है यार. और आई जस्ट फील बैड इन एक्टर्स को इतना मतलब कोई इतना मचा नहीं पाया जितना एक्चुअल एज एक्टर्स सब ग्रेट, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट थिंग्स इन देयर लाइफ. लाइक कुणाल कपूर इज आल्सो हिज नेम इज कुणाल कपूर राइट, लाइक कुणाल कपूर इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर नाउ, ही इज डूइंग ग्रेट थिंग्स, या बट मैन या ही इज आल्सो प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। ही इज प्रोड्यूसिंग फिल्म्स बस. बट एज एक्टर्स
जितना मैं चाहता हूँ, जैसे सिद्धार्थ का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया बट है, ही इज इन ही इज वेरी बिग इन द पॉपुलर कॉमेडी डाउन साउथ इंडस्ट्री. इन द या तमिल इज इंडस्ट्री इज वेरी पॉपुलर. या मैन या, और ह्यूज. एंड ही इज ऑल्सो लाइक प्रॉब्ली द मोस्ट पॉलिटिकल एक्टर इन इंडिया. वो मैं उनके ट्वीट्स देखता रहता हूँ. और पता है मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक बार अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कितनी सही बात है कि अनुपम खेर हु वाज लाइक प्लेइंग अ राइट विंग गवर्नमेंट सपोर्टर इन द फिल्म, एंड सिद्धार्थ, डूड लाइक लिटरली द सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, दैट ही इज लाइक एक्सट्रीमली लाइक यू नो लाइक ही इज अ बिग सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड इट्स जस्ट इन अ वियर्ड उसकी वे. एक्टिंग एक्टिंग भी बेस्ट थी पूरी मूवी में. मतलब अब अमंग द फ्रेंड्स वाला सर्कल, मेरे को उसकी वो जैसे अंडर प्ले करके किया ना उसने, पूरा उसका पूरे में ही पार्ट अंडर बहुत प्ले सही करा. था, उसका पार्ट बहुत सही हाँ था. तुम लोगों को पता है शाहिद कपूर को पहले ऑफर हुआ था वो पार्ट, उसने मना कर दिया था. आई एम नॉट सरप्राइज्ड. हाँ बट इनफैक्ट लाइक ये व्हेन सिद्ध आई इवन वॉच द फिल्म आई वाज लाइक ये बहुत ही वेल कास्ट फिल्म भी है, बिकॉज इतनी अच्छे से ऑल द फाइव पीपल एंड अतुल कुलकर्णी. अतुल कुलकर्णी इज वन ऑफ फाइव, नो नो ऑल द फाइव पीपल एंड अतुल कुलकर्णी, वो या इतने अच्छे से कास्ट किया है. इवन कुणाल कपूर फॉर दैट रोल ऑफ असलम, इट्स सो ब्यूटिफुली कास्टेड. और उस टाइम पे इनमें से कोई कुछ नहीं कर रहा था. यार सिद्धार्थ, लाइक पीपल इन नॉर्थ डिड नॉट नो सिद्धार्थ एट ऑल, और उन लोगों ने सेम मेरे सिद्धार्थ को को नहीं कास्ट पता किया था. है ना. हाँ. बहुत. और कास्टिंग ऐसे छोटी छोटी जगहों पे भी काफी इंटरेस्टिंग थी. मतलब वो तो ऐसे ही था, बट लाइक गुड ट्रिविया टू थिंक अबाउट. जब स्टार्टिंग में ऑडिशन चल रहे होते थे, जब 10-20 लोग दिखाए, तो एक टाइम पे एक बंदा आता है, दैट इज अभिषेक अभिषेक बनर्जी. बैनर्जी. या सो ही आल्सो कम्स देयर. काफी या फन है कपल मोर वो. पीपल आर देयर. अभिषेक बनर्जी के अलावा एक तो और लोग हैं. ऑल द पीपल हु वर अ पार्ट ऑफ दैट ऑडिशन एंड हैड अ स्पीकिंग पार्ट वो वेरी वेल कास्टेड, ऑल ऑफ देम. लाइक आई डोंट थिंक कोई भी देख के मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे फिट मेरे को नहीं. तो सू भी बहुत सही लगा. अब मैं वही आई थिंक अबाउट दिस अ लॉट. आई होप सू इज डूइंग गुड इन लाइफ. आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग, बट शी वाज अ ग्रेट एक्टर इन द फिल्म. लाइक ऐसे आई रियली लाइक द किस दे हैड, लाइक आमिर एंड लाइक सू, खलबली के जब बीच में वो खलबली के बीच में जो आता है. कभी कभी ऐसे मैं बहुत क्रिंज करता हूँ ऐसी चीजों में, अपने मेरे को खटका नहीं है. जब कोई चीज खटकने सही है चलने दो. क्यों 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 तू क्रिंज क्यों करता है, मतलब समझा नहीं मैं. क्रिंज इन द सेंस की इट्स लाइक आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी ऑफ इट इन अ गुड वे. मतलब क्रिंज नहीं भी करूंगा तो मेरे को लगेगा कि ठीक है. मतलब ऐसे वो आता है ना, लाइक हर एक बच्चे का वो ट्रेट होता है कि अच्छा सीन आ गया तो पानी लेने जाओ. पेरेंट्स पेरेंट्स की शक्ल दिमाग में आ जाती है कि नहीं नहीं पापा ने पानी मंगाया. नहीं वो खटकता नहीं. इट्स अ वेरी स्वीट किस दैट दे हैव. और वो जैसे उसकी हाइट उसमें क्लियरली दिख रहा है कि शी इज टॉलर देन हिम, एंड लाइक द कॉन्फिडेंस दैट ही कैरीज अच्छा है. लाइक खलबली वाले में भी जो पूरा किया है टोन, फिर धीरे धीरे मूवी की जैसे डार्क. मेरे को सोहाली खान भी बहुत अच्छी लगी थी मूवी में. सोहली खान इज वेरी गुड इन द फिल्म. या या शी इज वेरी गुड इन लाइक इसमें तो पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा. जो उसके सू के साथ सीन्स है, सू को थोड़ा ऐसे करने की कोशिश कर रही है, मिल जाएंगे बाय द वे ट्रस्ट तुम मी लोगों के मैन. प्लेलिस्ट में अभी भी रंग दे बसंती के गाने हैं, परपेचुअली ना, परपेचुअली. वो हट ही नहीं सकते. और मतलब यार इतनी अजीब चीज लगती है उसके एल्बम में, कुछ अलग ही बात है यार. मतलब इवन नाउ मतलब मस्ती की पाठशाला मैं इतना नहीं सुनता, इसलिए मेरे को वो पता भी नहीं था कि उसके दो वर्जन हैं. लेकिन खलबली, रूबरू, इवन द टाइटल ट्रैक रंग दे बसंती, लाइक दीज थ्री सॉन्ग्स इन पर्टिकुलर. और कौन से हैं? खून चला, एक ओंकार, खून चला, फक खून चला, एंड द फर्स्ट वन, तू बिन बताए, बताए, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं. रूबरू, रूबरू, हाँ रूबरू. रूबरू. विच वन? या एग्जैक्टली रूबरू. तो मतलब यार मतलब वो सब ऐसे गाने हैं कि मतलब जैसे खलबली तो स्पेशली मैं जब भी सुनता हूँ, अब भी मतलब या मैं टॉप ड्राइव के फेवरेट. टाइम पे ऑलमोस्ट हमेशा सुनता हूँ, व्हेनेवर आई एम ऑन अ लॉन्ग इट्स ड्राइव. आई वाज अबाउट टू से इट्स अ गुड ड्राइव सॉन्ग. आई हैव अ प्लेलिस्ट लॉन्ग ड्राइव सॉन्ग्स. या इट्स अ सेम. वेरी गुड लॉन्ग ड्राइव सॉन्ग. या तो खलबली तो कुछ अलग ही लगता है, उसकी वीडियो भी मतलब इतना वो करती है ना, मतलब उसकी वीडियो भी इतना थ्रिल डाल देती है. मतलब वही वाली चीज है जैसे इस फिल्म के अंदर थोड़ा हाँ की हुई है चीजें जिससे कि मतलब लोगों को जोश आए, टाइप्स यूथ को जोश आए, लेकिन वो वर्क करता है मतलब अभी भी मेरे लिए. मतलब समझने के हाँ बावजूद भी कि फिल्म कैसे वर्क करती है, कैसे मैनिपुलेट करती है, तब भी मेरे को लगता है भाई ये फिल्म मैनिपुलेट कर दे मेरे को, मेरे को दिक्कत नहीं है. या और इसमें कुछ जैसे कभी कभी लाउड हो जाती है, जैसे कुछ कुछ में दिखाया है कि दिखाने के लिए टू अंडरस्टैंड द कल्चर. कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें,
जैसे वो छत पे बैठे होते आमिर के घर पे ही, और आमिर के आई थिंक डैड आ रहे होते या दादा दादा आ रहे होते, तो लाइक वो उसको पीछे से इशारा करता है बुझा दे, सिगरेट डू यू बुझा रिमेम्बर, वो उसको सिगरेट बुझाने के लिए बोलता दिस है, इज एंड द द वे फर्स्ट नाइट. हाँ द फर्स्ट नाइट एंड द वे ही सेज इट, मतलब कि मतलब इट्स अ वेरी रिलेटेबल जब स्कूल के और कॉलेज के फ्रेंड्स बैठे होते हैं हाँ कि सही उसको में ऐसे यार. बस इशारा बोल करके बोलते हैं उसको बुझा दे, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि काफी 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 ज्यादा कूल। इवन द वे दे इंट्रोड्यूस्ड आमिर्स रियल नेम दिलजीत, देर इज नो अदर प्लेस इन द एंटायर मूवी दैट यू नो दे टॉक अबाउट इट, दे हाँ मतलब वो उसका नाम कहीं क्या बोलते हैं उसको, रिवील आता नहीं नहीं है होता, एक्सपोज नहीं होता। कॉलेज, हाँ एक्सपोज ही नहीं होता है और कहीं. देर इज दिस ओनली वन सीन वेयर सू किरण खेर को पूछती है आपके हाथ में ये धागा क्या है, एंड शी सेज हाँ मन्नत मांगी थी दिलजीत की खैरियत के लिए, एंड देन सू इज लाइक दिलजीत कौन है, एंड शी जस्ट लुक्स एट हिम, शी डजंट से इट्स आमिर बट एवरीवन नोज इट्स आमिर बिकॉज डीजे, नाइस, दिस वाज नाइस वन, मेरे को याद नहीं था ये वाला। दिस इज द हाँ ओनली प्लेस वेर हिज एक्चुअल नेम इज प्रोनाउंस्ड इन द फिल्म विदाउट सेइंग इट्स हिज नेम, लाइक आई रियली लाइक्ड हाउ दैट वाज डन एज वेल. बाय द वे आई पर्सनली थिंक फॉर मी लाइक आमिर्स एक्टिंग इन दिस फिल्म इज लाइक फॉर मी इन द पास्ट 20-30 ईयर्स फॉर श्योर वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेज इन हिंदी सिनेमा अकॉर्डिंग टू मी। मतलब जैसे वैभव भी बोल रहा था ना कि फॉर हिम लाइक सिद्धार्थ इज द बेटर पार्ट, लाइक सिद्धार्थ सिद्धार्थ हाँ दोस्तों में, आमिर नहीं दोस्तों में, जो अच्छा साइड no, रोल्स वाले अच्छा में। यू वर नॉट काउंटिंग आमिर इन दैट, आई डजंट वाजंट काउंटिंग लुक आमिर। एट अच्छा मी, सो ऑल ऑफ यू लाइक द डू बोथ ऑफ यू आई एग्री दैट एग्री आमिर हैड यार, हंड्रेड मतलब परसेंट डूड लाइक व्हाट आई पर्सनली फील इज लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज आमिर इज अ सुपरस्टार, पीपल काइंड ऑफ डिस्काउंट द फैक्ट दैट ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब तुम उसकी मतलब रीसेंट फिल्म्स में भी देखो, जो मतलब पीके में भी देखो तुम उसकी एक्टिंग, मतलब वो इतने लाउड पार्ट्स हैं मतलब पीके टाइप के, समझ रहे हो, बट द व्हाट ही ब्रिंग्स टू दैट पार्ट इज समथिंग एल्स, लाइक बिसाइड्स लाइक डिस्पाइट बीइंग अ सुपरस्टार ही नेवर लेट्स हिज वैनिटी शो इन इन द परफॉर्मेंसेस। सबसे पहली बात तो ये, व्हिच इज अ प्रॉब्लम विद शाहरुख व्हिच वी डिस्कस द अदर डे एज वेल, बट लाइक आमिर प्लेज अ पार्ट लाइक अ पार्ट। मतलब इवन इन दंगल यार, मतलब तुम मतलब ऑफ बिल्कुल कोर्स सलमान के साथ कंपेरेबल नहीं है, लेकिन यू कंपेयर बिकॉज दे वर लाइक सिमिलर पार्ट्स, सलमान इन सुल्तान एंड आमिर इन दंगल। आमिर ने जितना काम किया है हरियाणवी एक्सेंट पे यार, मतलब आई कम फ्रॉम हरियाणा, आई कैन अश्योर यू गाइज दैट हिज एक्सेंट वॉज ऑथेंटिक एंड हिज ओवरऑल लाइक यू नो पॉस्चर एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट। यू नो आमिर एज एन एक्टर आई हैव पर्सनली रीच्ड अ प्लेस वेयर every time Aamir comes on screen in a new film or a new thing, I already expect him to be so amazing as an actor कि I would be surprised if he's not. So मतलब हाँ तो इसलिए मेरे को हाँ समझ ही नहीं आ रहा मतलब मैंने जब मैं ऐड दंगल क्या करूँ, ये तो तारीफ फैक्ट्स हैं। या कुछ हाँ कुछ भी बात करूँ ना, it's just giving कि it's Aamir, तो he is probably best हाँ मतलब वही उसका actor in the ब्रांड है, उसने इस चीज में actor. मचाया है, तो वो तो कुछ लाइक नोबडी इज टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम, लाइक वी Yeah, ऑल I अग्री would आई be थिंक दैट। surprised if he did something wrong, and I would then say कि ओ आमिर ने धूम शायद. थ्री फॉर एग्जांपल, धूम थ्री ही वाज लाइक वेरी मीडियोकर, धूम थ्री I मैंने thought देखी नहीं है his लाइक धूम acting थ्री, in Dhoom 3, both the parts, I think the movie was वही मैं whatever. कह रहा हूँ, बिकॉज बिकॉज द मूवी वॉज Incredible. मीडियोकर आई थिंक एंड द डायरेक्शन वॉज मीडियोकर आई थिंक, वो निकल के आ नहीं पाया इतना अच्छे से। लेकिन यार इन रंग दे बसंती, मतलब द सीन फॉर एग्जाम्पल वेयर ही ब्रेक्स डाउन व्हेन ही इज सिटिंग विद सू, Yeah. इट्स सच अ After पावरफुल सीन, लाइक आई क्राई एवरी टाइम yeah. जस्ट लुकिंग लाइक द वे ही ब्रेक्स डाउन, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्राइंग सीन्स दैट आई सीन इन जनरल। मतलब मैं पता है क्यों बात कर रहा हूँ आमिर की एक्टिंग के बारे में, क्योंकि लोग नहीं बात करते यार, लोग नहीं बात करते कि उसकी एक्टिंग अच्छी करते हैं है यार उसकी, करते हैं नॉट अबाउट यार आमिर एज एन एक्टर, दे या सी एवरीवन टॉक्स अबाउट लाइक आमिर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ लाइक सीरियस सिनेफाइल्स हु कंज्यूम सिनेमा एटसेट्रा एटसेट्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल। मतलब ऑफ कोर्स जो इंडिया की मास पॉपुलेशन है वो तो आमिर को पसंद करती है, व्हिच इज द रीजन राइट व्हाई ही हिज फिल्म्स मेक सो मच मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ लाइक सीरियस सिनेफाइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी 100 शब्द बोलो, लेकिन वो मेरे को लगता है कि दे काइंड ऑफ डिस्काउंट, दे ऑफ्टन डिस्काउंटेड एंड लेट इट पास बिकॉज ही इज अ सुपरस्टार, सो इट्स जस्ट अंडरस्टूड दैट काइंड ऑफ दैट ही हो सकते प्रोबब्ली हैं।
क्योंकि आप बाकी सब सुपरस्टार्स को देखो ना, आप शाहरुख को देखो, सलमान को देखो, अक्षय को देखो, लाइक दे डोंट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू देयर एक्टिंग, यू नो, एंड दैट्स अ फैक्ट, एटलीस्ट इन द मेजोरिटी ऑफ देयर पार्ट्स. Yeah, I think Amir is definitely the best actor amongst the entire industry right now. As an actor, I'm saying he literally is one of those actors जो वो बोलते हैं ना कि मट्टी के घड़े होते हैं, जैसे उनको shape दो वैसे ढल जाते हैं. He is one of those. And there are very few actors like that. मतलब I don't know ये कौन लोग हैं जो आमिर की acting के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. नहीं, मेरे को एक वो ऐसे याद आ रहा, एक fun trivia, coffee with Karan का लास्ट, पता नहीं लास्ट या सेकंड लास्ट सीजन था. करण आस्क्ड हिम, इफ यू हैव टू गिव अप सेक्स और एक्टिंग, व्हाट वुड यू गिव अप? टू माय सन, यार मेरे को तो दोनों चाहिए यार, ऐसा कुछ बोला था. ऐसे थोड़ी होता है यार, लाइक आई नीड. तो लाइक इट्स लाइक आप, मतलब मैं जैसे इमेजिन कर रहा था, बोल देगा एक्टिंग, या आई नीड एक्टिंग, लाइक आई कांट, नहीं यार आई नीड. सो बहुत ही ज्यादा, इट्स लाइक हाँ, काफी काफी ज्यादा सही था वो. हाँ सर, दिस फिल्म आल्सो हैज माय फेवरेट लाइन प्रोबेबली फ्रॉम हिंदी सिनेमा ऑफ ऑल टाइम. मतलब ऑफ कोर्स लाइक आई हैवंट सीन एवरीथिंग, बट फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव सीन, इट्स माय फेवरेट लाइन ऑफ ऑल टाइम, जो लास्ट सीन में आती है. जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर हिम्मत उठाओ उसको बदलने की. मतलब यार वो एक टाइमलेस लाइन है, मतलब इतनी सिंपल लाइन है, बट एट द सेम टाइम इट्स इट्स It's a line which will probably remain relevant throughout the course of history. ये Like जो माइक पे बोलता है ना वो, माइक पे बोलता है, रेडियो स्टेशन पे. एंड आई रियली लाइक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एंड वाली इतनी नहीं देखता रीवॉच के टाइम, क्योंकि बहुत सैड है. एंड जब वो एंड में जब गेट खुलता है तो फ्रीज हो जाती है ना फ्रेम, इज हो जाती है. हाँ, दे डोंट. हाँ, व्हाट अ फिर परफेक्ट एंडिंग. गोली गोलियों की आवाज आती है, हाँ हाँ फिर वो लाइक दिखाया है, वो व्हाट्स हैपनिंग, बच्चा, यू फिर डोंट. एक बच्चा एक उसमें खेत में ऐसा कुछ एक सीन आता नहीं है. नहीं पहले वो दैट्स वाली मच चीज होती है, लेटर, पहले दैट्स मच लेटर, वो लोग रिएक्शन क्योंकि दिखाते हैं ऑडियंस का, लोगों का. वो सब दिखाते हैं. देन वहीदा रहमान जग जाती है, देन किरण खेरन उसके दादा, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस, एंड देन द खेत वाला थिंग हैपेंस, एंड ऑल ऑफ देम कम बैक, मतलब ऑल ऑफ देम आर इन द फ्रेम अगेन. नहीं बट लाइक बकचोदी जो दिखाई है वो बैंग ऑन दिखाई है. इसमें जो दोस्त साथ में करते हैं, जैसी बातें करते हैं, लाइक दो बोथ ऑफ देम पीड और वो हाथ करते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं, और वो जो जहाँ पे खाना खाने जाते हैं वो सब भी लाइक काफी बैंग ऑन था वो, जो पूरा मूड दिखाया. वो जब सीन जहाँ पे सोहाग अली खान ब्रेक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एनडीटीवी जब चल रहा हाँ होता है और वो हाँ देखती है कि हाँ प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद थोड़ी सी, मतलब आई डोंट नो, मैंने बहुत देखी नहीं उसके बाद वाली, मतलब आई हैव सीन इट, बट वहां पे आधे घंटे की या 20 मिनट की ऐसी पिक्चर है जो टू मच हो जाती है मेरे लिए कभी कभी, इन टर्म्स ऑफ हाउ सैड इट इज. तो मैं इतनी अब नहीं देखता, अच्छा. कि मैं वो वाला सीन देखता हूँ जब वो पूरी लाइक फाइट होती है पुलिस के साथ, वो जो रैली करते हैं इंडिया और वट गेट की एवर. मार्च. हाँ बट उसके बाद जब उसके यूनिफॉर्म आती है, या लाइक जब लाइक द होल थिंग्स दैट कम फ्रॉम, आई डोंट नो, वहीदा रहमान वाला जो सीन है, थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि आई डोंट एंजॉय इट एज मच ना, Because it becomes बिकॉज sad now, like that's the इट main बिकम reason. Because it's सैड. too sad. हाँ इट बिकम सैड. लुक्का छुपी. Fuck, हमने लुक्का छुपी क्यों नहीं बोला उस टाइम जब हम गाने लुक्का डिस्कस कर रहे थे. छुपी, ओ लुक्का यस, छुपी बोला. लुक्का छुपी तो मेरा फेवरेट है. लेकिन हाँ, और यार मतलब लुक्का छुपी में जो मोमेंट आता है वो वाला, व्हेन लाइक दे ब्रिंग द बॉडी होम. They don't bring हाँ the वो body ही home, they bring the box home. बॉक्स Office की बात. belongings. सॉरी सॉरी Office सॉरी दे ब्रिंग अ belongings. बॉक्स ऑफिस हाँ. And she बिलोंगिंग्स होम. just crumbles a little bit, and it's यार लाइक इट वाज रियलिज्म फनी. इन ऑल द सीन्स. जैसे भी जब वैभव उसके एनडीटीवी के सामने जब वो रोती है उसके बारे में बात कर रहा था, द वे इट्स बीन डन, कि जब ना आमिर और सूस को ऐसे कंफर्ट करने जाते हैं, शी इज नॉट हगिंग देम एंड क्राइंग, शी इज पुशिंग देम अवे एंड क्राइंग, विच इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ शोइंग ग्रीफ ऑन स्क्रीन. नॉर्मली जब व्हेन यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन एंड समवन इज कमिंग टू बहुत कंफर्ट, अच्छा पॉइंट है ये. तुम यही देखते हो ना कि हाँ हाँ हम हग करके रो रहे हैं, बट तुम ग्रीफ ऐसे हर बार नहीं ये करते हो. यू जस्ट टेक दैट स्पेस, फक ऑफ एवरीवन. आई यू नो लाइक इट्स सो वेल डन. लाइक माय मैं एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा इग्नोर ले रहा हूँ, बट आई हैव टू से इट बिकॉज ग्रीफ की बात हुई है. वन ऑफ द बेस्ट
डिपिक्शंस ऑफ ग्रीफ अकॉर्डिंग टू मी इन अ मूवी इज इन कंटेजियन. एक छोटा सा सीन है, आप बिल्कुल नोटिस भी नहीं होगा अगर ध्यान नहीं दोगे ना उस पे. मैट डेमन होता है शायद कंटेजियन में, राइट? तो मैट डेमन होता है, स्टार्टिंग में ही उसकी वाइफ को वायरस आ जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है. तब समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये वायरस कितना खतरनाक है वगैरह, और उसने अभी देखा होता है. एंड तो वो अंदर होती है, मैट डेमन बाहर आता है, और डॉक्टर उसको बाहर आके बोलता है कि लाइक कि जो भी करने की कोशिश की, लाइक आई एम रियली सॉरी मिस्टर सो एंड सो, वी कुडंट सेव हर, लाइक ऐसा कुछ बोलता है. एंड देन मैट डेमन सेज ओके कैन आई सी हर नाउ, एंड देन ही हैज टू रिपीट. सो द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सेज कि हाँ अच्छा लाइक योर वाइफ इज डेड, हाँ कूल मैं अच्छा मिल लूँ अब, इट्स लाइक आई वाज लाइक दिस कोई नहीं करता ऐसे. एंड मैं जब सोचता हूँ मैं कभी आज ग्रीफ कैसे दिखाऊंगा मेरी पिक्चर में, दिस इज हाउ यू डू इट मैन. क्योंकि पहली बार तो आपको रजिस्टर ही नहीं होगा. उसने कहा कि आपकी बीवी मर गई, एंड ही सेड हाँ ठीक है मैं एक बार जाऊँ. उसने कहा सर आपकी बीवी मर गई, फिर वो खड़ा होता है एंड देन देयर इज अ पॉज. उसको सेकेंड बारी में जाके तो रियलाइज होता है कि उसने बोला क्या. पहली बारी में जैसे वो अनदेखा कर देता ना पूरी चीज को, आई एम लाइक होली शिट आई हैव नेवर Yeah. सीन इट इन अ मूवी. इट्स ग्रेट. Another film which does this really well. मतलब अभी जब तुम बोल रहे थे मेरे दिमाग में तीन फिल्में आई जिनका मतलब मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि दैट दे जेन्युइनली मतलब उस टाइम मैं हिल गया था कि मैंने रोका कि मैं इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ था. एक तो द नेम से एक में व्हेन तब्बू फाइंड आउट दैट हर फादर हैज पास्ड अवे शी गेट्स अ कॉल एंड द वे शी स्क्रीम्स इट्स सो रियल मैन. लाइक मतलब मेरे को सच में याद आए मोमेंट्स फ्रॉम माई ओन यू नो लाइक माई ओन हिस्ट्री वेन लाइक माई मॉम प्रॉब्ली फाउंड आउट समथिंग एंड द वे दैट शी स्क्रीम्स इट वॉज सो रियल. मैंने नहीं देखा था उस तरीके का स्क्रीम तो भाई कभी उससे पहले वो जितना रियल तरीके से रोती है और वो इतनी पुरानी फिल्म है. सेकेंड वन इंसेंडीज इज अ फिल्म जिसमें जब फाइनल प्लस वन इज इक्वल जब वो टू वाला रिवील होता है ना वो मतलब अगेन लाइक विदाउट गिविंग अवे स्विमिंग पूल वाला, स्विमिंग पूल वाला. स्विमिंग पूल वाला इज स्टिल ओके बट 1+1 आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल द फाइनल थिंग. भाई वो अगेन लाइक द वे शी स्क्रीम्स इट्स सो वो रियल जैसे होती है. ब्रो इट्स समथिंग एल्स आई गॉट स्केर्ड व्हेन दैट हैपेंड इट एक्चुअली वो मतलब वाला एक्चुअली दिस इज ऐसा होता है लाइक यार आई गॉट स्केर्ड जस्ट इमेजिन. मतलब मैं शायद किसी हॉरर फिल्म में इतना नहीं डरा होगा बिकॉज इट्स सो ट्रॉमेटिक बिकॉज लाइक व्हाट दे फाइंड आउट इज सो ट्रॉमेटिक एंड हर रिएक्शन इज स्पॉट ऑन बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट फक डूड लाइक दिस इज द इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग दैट कैन हैपन टू अ ह्यूमन बींग. एंड थर्ड मैं इज देखूंगा. मैनचेस्टर बाय द सी व्हेन लाइक यू नो ली चैंडलर विच इज प्लेड बाय केसी एफ्लेक वो बिल्कुल रजिस्टर आपने देखी है शिखा मैनचेस्टर बाय द सी. नहीं मैं नोट डाउन कर रही हूँ मैनचेस्टर बाय द सी मैनचेस्टर बाय द सी यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बताऊं कि नहीं, पर बताओ उसमें फाइन भी अगेन लाइक यू नो वैभव हैव यू सीन इट. तो उसमें लाइक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना लाइक ही व्हाट बेसिकली हैपेंस इज स्पॉयलर्स फॉर एनीवन कि ही लूजेस हिज चिल्ड्रन इन एन एक्सीडेंट और प्रोबब्ली हिज चाइल्ड लाइक ओनली चाइल्ड इन अ फायर एक्सीडेंट दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो ही कांट रजिस्टर इट एट ऑल. बहुत देर हो गई ठीक है मतलब पुलिस स्टेशन में वो जा चुका है पहले अपने घर के बाहर खड़ा होके वो रुका हुआ है तब से पॉज्ड है बंदा. हम लोग देख रहे हैं भाई अच्छा अब कुछ रिएक्ट करेगा अब कुछ रिएक्ट करेगा. पुलिस स्टेशन में है वो बैठा हुआ है. हम लोगों को लगता है कि ठीक है अभी बात करेगा कुछ करेगा. वो एकदम से एक पुलिस वाला उसके आगे से गुजर रहा होता है उसके साइड वाले उसमें से उसकी गन निकालता है और अपने ऊपर तान देता है खुद को मारने के लिए. एंड देन पीपल कम टू गो टू स्टॉप है. मतलब ऐसा नहीं है और कि मतलब उसको इतने ठहराव के साथ दिखाया है कि मतलब इट्स समथिंग दैट्स हैपनिंग ड्रामेटिकली. इट फील्स सो रियल यू कैन फील द केओस ऑफ द पुलिस स्टेशन बिकॉज एवरीवन रन्स टू इमीडिएटली कैच होल्ड ऑफ हिम. ऑफ कोर्स लाइक यू नो दे डोंट लेट हिम डू दैट पर वो भी मतलब बहुत सही डिपिक्शन है. मतलब मेरे को बस याद आया कि हाँ मतलब कुछ फिल्मों में नहीं ग्रीफ इज व्हेन इट्स डन वेल इट जस्ट हिट्स यू रियली बैडली कि मतलब कितने साल हो जाए तुम भूलोगे नहीं उस फिल्म को. ये तुम्हारा क्लिपिंग बहुत अच्छा निकल जाएगा ग्रीफ वाला ना. मैं नहीं एडिट के हिसाब से मेरे को अभी लगा ये एक्चुअली ये ग्रीफ एक्चुअली बहुत वाला सही क्लिप बहुत. है सम ऑफ द बेस्ट हाँ डिपिक्शंस ऑफ ग्रीफ. हाँ रंग दे बसंती में भी देयर इज दिस अनदर मोमेंट ऑफ ग्रीफ जो बहुत अच्छे से किया जो हर्षित ने ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा मेंशन किया व्हेन आमिर खान ब्रेक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ सू सो या ब्रेक दैट सीन नो इट्स लाइक वो खाना परोसती है इतना मंडेन सा चल रहा है ना बिकॉज अभी जस्ट वो घर आए हैं हॉस्पिटल से वो खाना परोसती है
एंड ही टेक्स अ बाइट एंड वो चबाता भी नहीं है, वो मुंह में खाना है और वो रोने और बोलने लगता है. दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू वुड रिएक्ट व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट मोमेंट. यू वुडंट ईट स्वॉलो और नॉट ईट ऑल्सो. यू नो इस मोमेंट पे एक ऑप्शन है ना डायरेक्टर के पास कि उसको वो निवाला दो ही नहीं, वो पहले ही रोने लग जाए, राइट? But yeah. he actually takes that niwala and it's yeah. there in the mouth. He doesn't chew and he just breaks down with it. It's yeah. so. मतलब मुझे. There is a conversation between Aamir Khan and Vicky Kaushal. उन दोनों ने एक पीछे सीरीज शुरू करी थी इंडिया टुडे ने या किसी ने, जिसमें एक एपिसोड है इरफान और नसीरुद्दीन शाह का, एक एपिसोड है विक्की कौशल. विक्की कौशल और आमिर हैं कि हाँ विक्की कौशल और आमिर हैं या फिर रणवीर सिंह और आमिर हैं, आई थिंक रणवीर सिंह और आमिर हैं एंड अमिताभ बच्चन एंड रणबीर कपूर हैं. तो आमिर खान वाला जो एपिसोड है उसमें आमिर खान हैज टॉक्ड अबाउट दिस सीन. ही हैज टॉक्ड अबाउट हाउ मतलब द काइंड ऑफ आई थिंक द शॉर्टेड वंस बट इट केम आउट परफेक्टली एंड दैट वाज द टाइम एंड ही प्रिपेयर्ड अ लॉट इन ऑर्डर टू गिव हिज बेस्ट फॉर द सीन. बट ऐसा कुछ हुआ फिर बाद में उसको बोला कि वी विल हैव टू टेक अनदर टेक एंड मतलब उसने शायद मना कर दिया था फिर ऐसा कुछ हुआ था. एंड इवन आई थिंक दे even if they did take like more takes but they eventually went with the one that came before because it was so perfect. I think aisa kuch tha matlab, but just to verify tum log dekhna wo zarur, like bahut sahi conversation hai, wo puri series bahut sahi hai. Humne script ki baat kar le gaya. Who is the writer of Rang De Basanti? Prasoon Joshi has written the dialogues yeah. as far as I know. The screenplay has been written by Rakesh Om Prakash Mehra, of course, uh-huh. and a couple more people, as far as I remember. Prasoon Joshi ka life arc bhi thoda alag hi raha na. हाँ भाई मतलब क्या हुआ उस आदमी को, मतलब कितना कुछ बढ़िया काम किया उस आदमी ने और वो अलग ही उसमें चला गया. चलो जो भी है. हाँ मतलब ऐसे sad लगता है यार कभी कभी, because Anupam Kher का फिर Wednesday वाला role याद आता है मेरे को. और फिर ये आता है कुछ कुछ मतलब उसने रोल्स तो किए हैं, स्पेशल 26 वाला याद आता है. आई डोंट नो लाइक अनुपम खेर हैज डन सम रियली लाइक गुड फिल्म्स इवन इन द 80s. मतलब पेस्टोनजी देयर इज अ फिल्म कॉल्ड बट या ही इज अमंग द थ्री पीपल आई हैव ब्लॉक्ड ऑन ट्विटर, हिम, कंगना एंड विवेक अग्निहोत्री. Why have you blocked him? For obvious reasons. मतलब obvious reasons, dude. Obvious reasons. कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ऑन द बैड डेज व्हेन दे आर प्रेजिंग द गवर्नमेंट, ऑन द बैड डेज इट गेट्स टू यू. एंड आई नो कि आप अनफॉलो कर दो बट नहीं, कभी कभी किसी का लाइक दिख जाता है. हां वो सामने आ ही जाता है. या तो हुई नहीं भाई, सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं हुई इसलिए, यही रीजन है. मतलब ट्विटर पे ये वाले इसलिए तुम इतने खुश लगते हो ना, तुम्हारी त्वचा इतनी सावली और वो क्या बोलते हैं सॉफ्ट को नहीं क्या बोलते हैं ग्लोइंग त्वचा है. Like why Twitter is actually bad for your health in today's time. So is Instagram and so is every social media, but like it's like ki equally everything is equally toxic and equally if you're trying to derive anything else out of it. Mainly hamesha sabse zyada toxic Instagram raha hamesha. Really? Hamesha. Yeah. That's very surprising. कोई ना कोई सहेली वहां पे मेरे को परेशान करती रहती है. मतलब कोई वाला in the sense like you get go and see someone and then you feel maine kya profile kholi like wo wala jo pura thread hai wo na usme wahan pe logon ki photos dikhti rehti hai na, shaklein dikhti rehti hain. ha wo thoda sa triggering ho sakta hai kabhi kabhi. ha wo bahut triggering ho jata hai kabhi kabhi. it's and the problem is ki even when you mute people on Instagram, no, these fuckers are so good at their game. So let's say if I mute like let's say Shikha, कि यार मेरे को शिखा से बात नहीं करनी है, मैंने शिखा को म्यूट कर दिया. बट इफ शिखा एंड आई फॉलो द सेम पेज, लेट्स से हम ह्यूमंस ऑफ सिनेमा को फॉलो करते हैं, लेट्स से नहीं हम करते हैं, तो मेरे को तब भी वैसे दिखाएगा शिखा एंड 5000 अदर पीपल लाइक. सही में ऐसे आते हैं ब्लॉक करने के बाद भी? म्यूट करने के बाद? म्यूट करने के बाद तो आएगा यार. नहीं ऐसे नहीं आना चाहिए ना, म्यूट कर रहे हैं तो आपको समझा रहे हैं सर हमें नहीं देखना है फीड में, हमें फीड में नहीं देखना, तो आप ऐसे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि you are giving me an endpoint to click on that name now. Yeah. फिर मैं जाके देखूँ. हाँ. Yeah, it is very true. वैभव ये बहुत रहे क्योंकि मैंने recently notice किया है, I had muted someone recently. Every explore का because we follow almost all same people. Every explore का post, it's that name and other people. That name and other people in likes. That name. और comments में भी अगर उसमें 1000 comments है ना तो वो एक comment देखा मुझे. It's these people. अरे मैं ऐसी थोड़ी हूँ जकरबर्ग.
ऐसी लोगों को थोड़ी थी ज्यादा यही इश्यूज सबसे है बड़ी लोगों के साथ। कमी। अमिताभ बच्चन का पोस्ट था, उसपे कुछ 10,000 कमेंट्स थे आई थिंक, वो मुझे एक पर्टिकुलर नाम और कमेंट दिख रहा है, आउट ऑफ टेन आज थाउजेंड कमेंट्स एंड आई एम तू इंस्टाग्राम इज वो एक मीम है ना, ब्रेन से टेलिंग यू वी आर सैड टुडे एंड यू लाइक व्हाई आई सेड वी आर सैड टुडे। या बट नहीं यार, इंस्टाग्राम हैज या या इन्वेंटेड बट दैट मीम आई थिंक। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इससे कोई हमारा सेग या हमारी अगली क्रांति सोशल मीडिया की आएगी भाई। क्या क्या लाइक कोई क्या ऐसे अगली क्रांति सोशल मीडिया की आएगी, फेसबुक के ऑफिस में 5 लोग घुस गए और नहीं, कुछ वहां पे जाके कोडिंग पे कर दिया, और कि फिर कोई किसी का फिर अगली वहां क्रांति पे सोशल मीडिया पे आएगी कि नहीं वो तो कह नहीं नहीं, सकते, लेकिन उसके अगली अगेंस्ट क्रांति आएगी, उसके अगेंस्ट आएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर हो रही है अभी। क्या मेरे को तो अभी भी मैं बहुत वो दिख रहा हूँ, लाइक आई एम स्टिल लाइक अटकोइंग टू यार मच। वो अपने एक वो अपनी जो 3% लोग जो अपन वो अपने टाइप के लोग ही हैं यार, वो हमारी वर्सोवा वाली जनता के लिए अच्छा लगता है हमें कि हम वर्सोवा के जो 50 लोग हैं जो ऐसे बोल देते हैं लाइक कि हाँ इट्स मोस्टली दैट, अदरवाइज इतना फर्क नहीं पड़ता। ये नो जो ब्रो चेंज नो ब्रो, डॉट ओ आर जी है, इसका चेंज तो डॉट ओ आर जी में 1-1 लाख लोगों के साइन पे पिटिशन होता है, आज तक कुछ हुआ है? 99% केसेस पे चेंज डॉट ओ आर जी से कुछ भी नहीं होता। यार वो चेंज डॉट ओ आर जी की इनकॉम्पिटेंसी है, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ कॉन्वर्जेशन की बात कर रहा हूँ, ये सेम ये रंग दे बसंती वाला ही कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं हम। कि बात ये है कि हमारे वो थोड़े से एफर्ट से, मतलब हम जो भी कर रहे हैं, हम जो एक कॉन्वर्जेशन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे क्या को हर्षित बता रहे हैं वैभव, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता टिम लक लक बट है। चलो हाँ ये तो अलग कॉन्वर्जेशन है। हाँ बट या एनी बट लाइक फाइनल नोट्स ऑन रंग दे बसंती, तुम्हारा कोई पर्सनल जिंदगी में कुछ तुम्हें लगता है कि यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम द फिल्म, यू हैव टेकन एनीथिंग अवे, योर नहीं मेरी योर रिलेशनशिप विद हाँ। इट लाइक मे बी हैज इट चेंज्ड इन एनी वे। यार मैं डायरेक्शन एक ही चीज मेरे को ढंग से, अब तो ठीक है थोड़ी बहुत चीजें समझ आती है, डायरेक्शन इज वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को बहुत ढंग से समझ आती है, एंड आई एम नॉट इवन मॉडेस्ट अबाउट इट। व्हेन आई सी डायरेक्शन डन राइट ना, मेरी बहुत ज्यादा इज्जत होती है उस चीज के लिए। इसके जो ओपनिंग क्रेडिट्स है, मेरे को गाना आज तक नहीं मिला, किसी के पास हो तो प्लीज देना, मेरे को गाड़ी में बजाना है वो, जब वो फर्स्ट टाइम लाइक ओपनिंग क्रेडिट्स आता है, आयो च च च आयो वो वाला, लाइक इट्स लाइक स्मॉल थिंग्स द स्मॉल प्लेसेस, लाइक ऐसे शटर स्पीड को लाइक बढ़ा के कम करके इफेक्ट बहुत लोग डाल सकते हैं, बट टू पुट देम इन अ वे दैट लाइक कॉम्प्लीमेंट्स द स्टोरी टेलिंग, टू पुट इफेक्ट्स इन अ वे, हर फिल्म स्कूल का स्टूडेंट अच्छे फिल्टर लगाता है, लट्स होते हैं सबके पास, बट पुटिंग दोज एंड कॉम्प्लीमेंटिंग द स्टोरी इज वेन यू मेक अ ग्रेट फिल्म। सो द ओपनिंग क्रेडिट्स से ही वो दिखा देते हैं कि भाई यू आर इन फॉर अ ट्रीट, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये वाला विमान बहुत आगे जाने वाला है, एंड एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक, वो फ्रोजन फ्रेम इन दी एंड, छोटी छोटी या चीजें, मैन या बिकॉज जब आप टेक का ध्यान रखते हो फिर आप वो छोटी हरकतों पे ध्यान दे पाते हो कि वो सिगरेट बुझा दे, दादाजी आ रहे हैं, या सामने जैसे वो जो खाने वाले सीन की बात कर रहे हो, वो सब तब होता है जब आपको पता है कि टेक में भी आप मचा दोगे। कुछ लोग इसलिए टेक में इतना खेलते नहीं क्योंकि उन्हें एक्टिंग पे ध्यान देना होता है, बट आप टेक में भी मास्टरी कर रहे हो, म्यूजिक में तो कर ही रहे हो ए आर रहमान है, एक्टिंग में तो आपके यहाँ सामने, इट्स लाइक कि एवरीथिंग बींग, एवरीथिंग कम्स टुगेदर वेरी वेल। तो वहां पे मेरे को लगता है कि 10 पॉइंट ज्यादा मेरे को इवेंचुअली मैं दे दे, मैं बचपन में नहीं डिसाइड कर पाता था रंग दे बसंती और लगे रहो मुन्ना भाई, टुडे आई नो टुडे इट इज रंग बसंती नॉट लग रहा मुन्ना भाई फॉर मी। अच्छा लेकिन वैभव, मैं बस मैं एक सवाल पूछूंगा इसमें डायरेक्शन वाली चीज पे, कि हाउ डू यू थिंक द डायरेक्शन टेक्निक्स लाइक द स्पेशल लाइक द अदर लाइक द यूनिक टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन दैट राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैज स्पेशली यूज इन दिस फिल्म, जैसे वो जो स्टार्टिंग में शटर स्पीड वाली चीज को यूज करके उन्होंने किया है, वैसे उसको क्या बोलते हैं, देयर इज अ टर्म फॉर दैट टेक्निक ना, टर्म देर इज अ है ना उसकी, टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, टर्म याद नहीं मेरे को। पर मतलब आपको क्या लगता है कि हाउ हैज दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लाइक द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द, नॉट जस्ट द क्वालिटी बट द ओवरऑल मैसेजिंग ऑफ द फिल्म और द ओवरऑल इंटेंट ऑफ द फिल्म, उसमें तो कैसे प्रभाव पड़ता है। बेसिकली यूथ वाली जो कहानी दिखाई है, देखो आपको हिस्ट्री दिखानी है तो आपने एक सेपियर टोन दिखा दी, बस कुछ फैंसी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू यूथ एवरीथिंग द चॉइस ऑफ द लोकेशन,
मतलब मैं उस दिन नाहरगढ़ गया, मैं इतना इम्प्रेस था कि भाई कोई इंटर्न होगा या कोई असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर होगा जिसने ऊपर वाले आर्ट डायरेक्टर को बोला होगा कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर को बोलना है, या वो खुद आया होगा. बट हैविंग द गट्स टू डिसाइड कि मैं यहाँ पे आके वो दारू वाला सीन शूट करूंगा, तो बेसिकली द वर्ड हियर, द इम्पोर्टेंट टर्म हियर इज स्टाइल. तो जो स्टाइल, आप स्टाइल के साथ तब खेल कर सकते हो, पहले आप फर्स्ट थिंग इज आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा. जब आप कॉम्पिटेंट होते हो फिर आप स्टाइल के साथ खेल सकते हो. तो ही न्यू ही वॉज कॉम्पिटेंट, बेस्ट, ही हायर्ड एवरी वन बेस्ट, लाइक द बेस्ट ऑफ म्यूजिक, बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट श्योर श्योर एवरीथिंग. श्योर देन इज लाइक मैं स्टाइल पे भी खेलूंगा. वो आई एम श्योर डीओपी का भी बहुत वो रहा हाँ होगा, बट डीओपी कौन है लाइक फिल्म का? हाँ इज इट या संतोष? मेरे को, आई एम लाइक वेरी बैड विद द नेम्स ऑफ डीओपीज, मैं एक नॉट टू सेकंड चेक अंडरमाइन कर रहा देयर हूँ। हाँ तो कंटेंट. हाँ यू यू कीप ऑन टॉकिंग, मैं देख रहा हूँ साथ साथ। हाँ बट लाइक दैट इज वन थिंग जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि वेन यू गेट दीज थिंग्स राइट ना, कोशिश बहुत लोग करते हैं, कर भी लेते हैं, बट आपकी स्टोरी भी इतनी अच्छी है फिर आपने कुछ कर दिया, दैट इज द पार्ट दैट इज, दोज आर द मोमेंट्स व्हेन यू गेट गूज बम्प्स. सिमिलरली जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, चक दे में जब वो एक ऐसे वो अंग्रेजों वाला गाना बजा, वो जो पहली जब उनकी प्रैक्टिस होती है, यू नो दिस स्मॉल एलिमेंट्स वे यू गिव दिस स्टाइलिस्टिक एलिमेंट कि हम वेस्टर्न कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, और उनको दिखाने के जो तरीके होते हैं, आई लाइक हाउ पीपल डू इट. और या दैट्स प्रीटी मच इट. या बेसिकली टू स्टे ट्रू टू द कंटेम्परेरीनेस लाइक ऑफ द मूवी, बिकॉज व्हाइल इट इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, इट इज अ ह्यूज कमेंट्री ऑन द प्रेजेंट ना। दैट इज द मेन मुद्दा ऑफ द थिंग ऑफ द मूवी, राइट? पास्ट से तो हम सिर्फ वो एक इंस्पिरेशन या इस पैरेलल ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। तो व्हेन आई थिंक आई फील जो वेब स्टाइल के बारे में बोल रहा है, इट्स लाइक स्टेइंग ट्रू टू द टोन ऑफ द मूवी एंड टोन ऑफ नहीं बट तुम समझ रही हो, वो एक्चुअल टोन का पार्ट ही नहीं है. ये वाली जो शटर स्पीड वाली चीज है, ये कितने लोगों ने इससे पहले इतने ढंग से सारी किया चीजें है. मिला के बोल रही हूँ, जो जो बहुत हाँ नहीं सारी बट चीजें दीज किसने थिंग्स मेड द नहीं की टोन यार। और विद. मतलब वही सबसे बड़ी बात है, हाँ इस फिल्म में बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी हैं जो कि पहले कभी भी यूज नहीं होती थी, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे वो एक्चुअल में. चाहे तुम वो वाला सीन देख लो यार, जब वो हवा में प्लेन वाले के लिए कूदते हैं, ठीक है सीजी है वगैरह जो भी है, बट लाइक दी वो होल आइडिया कि लोग कपड़े उतार के जा रहे हैं और चार दोस्त हवा में कूदते हैं जब भी प्लेन आएगा, इवन तो मैं इसी ये मूवी की सारी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने एंड द टीम टुगेदर हैव यूज्ड दैट एज टेक्निक्स टू स्टे ट्रू टू द कंटेम्परेरीनेस ऑफ द फिल्म एंड स्टे ट्रू टू द एंटायर टोन ऑफ यूथ इन दैट पीरियड। हाँ, टोन ऑफ यूथ इज अ बेटर वे टू पुट इट. यस, टोन ऑफ यूथ. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट इज अचीव्ड वेरी वेल इन दिस वही फिल्म। ना, क्योंकि जो जब पिक्चर का जो पहला नाम था वो भी क्या था, द यंग गन्स ऑफ द इंडिया, यंग और वो गन्स। बोलता है काफी हैवी नाम है ये. हाँ, तो मैं वही मतलब मैं उसी थ्रेड को आगे लेके जा रही थी। व्हेन वैभव से स्टाइल, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर ट्राइंग, व्हेन योर मेन थीम ऑफ द फिल्म इज यूथ, राइट? दैट इज द मेन थीम ऑफ द एंटायर फिल्म। व्हेन यू स्टेट that and when you do it very well, these are the different elements he has used to enhance that experience. अगर youth के बारे में बात करनी है तो तुम बहुत simply भी youth को बता सकते हो और college में दिखा के कर सकते हो, but ये सारी जो छोटी-छोटी चीजें और techniques हैं, details हैं जो तो उन्होंने imbibe की है in the entire screenplay. That is what enhances the experience of a film. And उसके लिए तो हम इतने टाइम बाद उस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल. बाय द वे, द सिनेमेटोग्राफर इज विनोद प्रधान एंड द फिल्म वाज को रिटन बाय रेंसिल डे सिल्वा. ओके ओके सो या यू सेइंग सही समथिंग है यार अभी? गाइस, मतलब आई एम जस्ट लाइक थैंक्स यार अर्शद फॉर डूइंग दिस डिस्कशन. या आई एम मैं ग्लैड या यू या पिक दिस मूवी फॉर द डे, एंड थैंक्स हाँ यार यार, गाइस, बहुत थैंक यू मजा सो आया. मच फॉर थैंक्स यू जॉइनिंग, कम. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. और ऑफ कोर्स लाइक रंग दे बसंती तो ऐसी फिल्म है उसके बारे में तो मतलब बात में लगता है कि बहुत देर बात हो सकती है बहुत आराम से. पर ऑफ कोर्स मतलब आई थिंक वी हैव मोर और लेस स्पोकन अबाउट एवरीथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इन द फिल्म. हाँ, ऊपर ऊपर से तो सब टच करके आ गए अपन. हाँ यू नो बाय बाय द वे लाइक अगेन इन दिस लाइक द प्रॉपर सिनेफाइल कम्युनिटी द फिल्म डज गेट समटाइम्स क्रिटिसिज्म फॉर टेकिंग अप
लाइक काइंड ऑफ लिफ्टिंग सम एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम अ बंच ऑफ फिल्म्स, बंच ऑफ हॉलीवुड फिल्म. जैसे आई थिंक देयर इज अ फिल्म कॉल्ड जीसस ऑफ मोनाको या फिर ऐसा कुछ करके फिल्म का नाम है, जीसस ऑफ मॉन्टेनेग्रो आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द फिल्म. उससे उन लोगों ने वो वाले पूरे एलिमेंट को उठाया है कि मतलब जो पास्ट और प्रेजेंट वाली चीज चल रही होती है ना, वो वाली पूरी चीज उन लोगों ने मतलब जीसस ऑफ आई वुड स्टिल, मॉन्टेनेग्रो. इट वुडंट बॉदर मी इतनी इतना मैं मतलब इससे ज्यादा भी किया तो मैं माफ कर दूंगा। इन चीजों को इंडियनाइज करने में बहुत मेहनत यार लगती है। मतलब पता है तो क्या था ना, मतलब एक टाइम था मैं पूरा रणदीप सिंह पे काफी रिसर्च कर रहा था, पेज पे कुछ मैंने उसके बारे में डालना था उसके लिए. तो उस टाइम मेरे को पता चला कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो मतलब फिल्म को काफी डिसडेन के साथ देखते हैं, मतलब जो बहुत अपने आप को सिनेफाइल्स मानते हैं, ब्लॉग व्लॉग्स हैं जिनके. तो यार मतलब मैंने वही सोचा कि मतलब, तो मैंने वो फिल्म भी देखी, वो जीसस वाली जो फिल्म थी, और मैंने सोचा यार उस फिल्म का इस कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक फिल्म के साथ. तो मतलब तुम, ये तो ये हो गई निटपिकिंग वाली बात हो गई, तुम्हें इतनी ब्रिलियंट फिल्म में जानबूझ के कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो इन ऑर्डर टू फील सुपीरियर इज व्हाट आई फील. बिकॉज द वे दे हैव नॉट जस्ट इंडियनाइज द फिल्म बट ऑल्सो मे बी टेकन सम एलिमेंट्स फ्रॉम हेयर एंड देयर बट मेड दिस वेरी इंजीनियस टाइमलेस फिल्म, यू नो, जिसमें मतलब इतनी सारी चीजें इतनी नई इतनी परफेक्ट थी. तो लाइक यू नो आई थिंक दैट डिजर्व्स वे मोर अप्रिसिएशन देन एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इट दैट मे कम इट्स वे फ्रॉम दी स्मॉल लिटिल थिंग्स. तो या आई एम रियली ग्लैड वी टॉक्ड अबाउट दिस. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैक्टफुल फिल्म्स ऑफ माई लाइफ एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद द बोथ ऑफ यू. Yeah, एंड या गाइस and guys, do subscribe to चलचित्र टॉक्स। मेरे को नॉइस. कभी कभी करता हूँ यार मैं मेरे चैनल के बाहर, तो मैं लाइक ट्राई करके देख रहा हूँ कि एक चैनल रन करते जहाँ हम रिकमेंडेशंस देते हैं बहुत सारी चीजों की। एंड आजकल तो बहुत सारा फास्ट फास्ट कंटेंट आ रहा है, अभी 2 घंटे में एक और वीडियो आएगा, तो लाइक डू सब्सक्राइब इफ यू गेट अ चांस। हाँ यार. और मतलब एंड द रेड अरे स्पैरो आई विल ऑल्सो प्लग इन बिकॉज व्हाई नॉट. बताओ ना मेरे यार, बहुत दर्शित को बहुत बताया कम तुमने? सब्सक्राइबर्स और बहुत कम व्यूअर्स आएंगे बाय द वे, पर जितने भी आएंगे प्लीज कर देना. अरे प्लीज नहीं, आएंगे आएंगे। डू सब्सक्राइब टू रेड एक काम स्पैरो. सिखा, बताया करण जोहर। तुम ये मेरी सब्सक्राइब के बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे बड़ी बात है ना, तुम्हारी बात है। हाँ शिखा की कल पोस्ट करण जोहर ने रीट्वीट की हाँ थी। हाँ पता है मेरे को. हाँ आई तो डोंट. मतलब इट्स लाइक कि है भाई, मतलब काफी कूल था यार वो तो। हाँ यार. और द रेड स्पैरो को प्लीज चेकआउट कीजिए एवरीबडी. दे हैव अ वेबसाइट एज वेल, सो यू कैन गो रीड द लाइक लेटेस्ट रिव्यूज अबाउट एनी फिल्म्स एंड शोज दैट आर कमिंग आउट ऑन द रेड स्पैरो. एंड प्लीज फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया एज वेल. या वी डू अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल वेयर वी टॉक टू अ करेक्ट लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री फर्स्ट हैंड एंड वी टॉक टू देम अबाउट देयर क्राफ्ट एंड द फन कॉन्वर्सेशंस. सो कम वॉच अस. चलो राइट गाइस, बाय बाय बाय. थैंक यू चलो सो गाइस, मच. थैंक्स थैंक अर्षित, अभी जाना यू. होगा।